टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो घर के घर जला दिए गए, किस तरह से दिल्ली हिंसा में झुलसी है उसकी ये झलक आपने देखी। हालांकि राहत की बात है कि अब हालात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई और हिंसा की वारदात सामने नहीं आई है। लेकिन खजूरी खास में इस वक्त मौजूद है मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी। चित्रा, सुबह से आप अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही हैं और देख रही हैं कि हालात वहां पर अभी कैसे बने हुए हैं, क्या क्या हुआ है बीते इन दिनों में, दिखाएं क्या ताजा तस्वीर है और आंखों देखी आपकी, आपने क्या देखा? देखिए मीनाक्षी, इस वक्त चांदबाग इलाके में मेरी मौजूदगी है और यहाँ की तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। चारों तरफ तबाही का मंजर, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली उजड़ गई है। या तो पत्थर हमें दिखाई दे रहे हैं या फिर लोगों के चेहरे की बेबसी और वो बदनीयती नजर आ रही है जिससे दिल्ली को जलाकर राख करने की कोशिश की। ताहिर हुसैन, एक ऐसा नाम आम आदमी पार्टी का वो पार्षद जिसके घर के ठीक बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, ये उनका घर है। आपको बता दें इस घर के भीतर हम गए थे, 5 मंजिला ये इमारत, लेकिन इस घर के अंदर जो चीजें रखी हुई थी उससे साफ साफ ये संकेत मिल रहे हैं कि दरअसल हिंसा में उन तमाम वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया था। ताहिर हुसैन का इसमें रोल क्या है? हालांकि बार बार वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि दरअसल उनकी मौजूदगी यहां पर नहीं थी, वो इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ताहिर हुसैन का रोल क्या था आगे आने वाले वक्त में जांच का विषय है। लेकिन कम से कम जिस तरह से पेट्रोल बम रखे हुए थे, पत्थर बोरियों में भर के पत्थर रखे हुए थे, उससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि दरअसल इस घर का इस्तेमाल किया गया है यहां पर पत्थरबाजी में। पूरी सड़क की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अच्छी खासी सड़क जो इस वक्त चारों तरफ या तो पत्थर या तो ईंट आपको गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ आपको ये देखिए, ये छोटा सा गैस आपको नजर आ रहा है, दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे ये केरोसिन का कंटेनर है जिसमें केरोसिन रखकर जलाने की कोशिश की गई। ताहिर हुसैन के घर के बाईं तरफ या फिर दाहिनी तरफ, दोनों ही तरफ जो घर या फिर दुकानें हैं आपको बता दें जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को। यहाँ पर सुरक्षा बल काफी भारी तादाद में मौजूद है। ये ताहिर हुसैन का 15 फीट का ऊंचा सब बड़ा सा दरवाजा, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें बीच की कुंडी अगर आप खोल भी लेंगे तो भी अंदर आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये लोहे की रॉड लगाई गई है अंदर से भी बाहर से भी, ताकि किसी की एंट्री नहीं मिल पाए। अमूमन किसी भी दरवाजे में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है, सीधे सीधे साजिश की ओर ये इशारा कर रहे हैं, लेकिन इस साजिश के पीछे ताहिर हुसैन का रोल कितना है ये अपने आप में जांच विषय है और जांच के बाद स्थिति और ज्यादा साफ हो पाएगी। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं, चूंकि फ्लैग मार्च इस इलाके में लगातार जारी है, काफी ज्यादा तनावपूर्ण यह स्थिति, स्पेशल सीपी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस इलाके में भारी सुरक्षा बल के साथ स्पेशल सीपी की मौजूदगी थी, इलाके का जायजा उन्होंने लिया, हालात यहां पर खराब ना हो लगातार पैनी नजर यहां पर न सिर्फ पुलिस की ओर से बल्कि जो अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है उनकी ओर से लगातार गश्त किया जा रहा है ताकि हालात को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सके। यह तस्वीरें देखिए, देखिए अब ये पुलिस पूरी तरह से तैनात है और आप देख रहे हैं अमन चैन है, शांति है। अब हमारा बेसिकली इरादा ये है कि यहाँ के लोगों से मिलने का इरादा है, आउटरीच प्रोग्राम है ताकि इनको सुनूँ, इनकी शिकायतें सुनूँ और शिकायत पे जो भी कार्रवाई हमें करना है वो करूं मैं। सर, 2 दिन पुलिस नहीं थी उस पर क्या कहना है सर? अब तो पुलिस एक्टिव मोड में है ही, उस समय जब पुलिस नहीं थी, जब ये पूरा हो रहा था, मैं हिंसा हो रही थी, इसमें इतने लोग मर गए, 30 से ज्यादा लोग की डेथ हो गई। मैं आगे के बारे में सोच रहा हूँ, मैं पुरानी चीजों के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं आगे के बारे में। सर, हम तो ये सोच रहे मंदिर फिर कुछ आए पीछे से पत्थर ले, फिर दूसरे दिन यहाँ से उपद्रव हुआ ऊपर। हम तो ये कह रहे हैं कि जितनी जल्दी माहौल सुधर जाए, काम करने वाले डेली वाले बेचारे परेशान कर रहे हैं, 4 दिन बाद त्योहार है, कैसे काम मेरी बात सुनो, आप मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए, क्या करना है, आप क्या चाहते हो हम करने के लिए? नहीं, यही चाहिए साहब, बच्चे स्कूल जाने लगे, हम लोग अपने रोजी रोजगार करने लगे, और क्या चाहिए? मैं बात करना चाह रहा हूँ,
ये पॉलिटिकल कोइंसिडेंस है, पॉलिटिकल कोइंसिडेंस की वजह से हम यहाँ पर दिख रहे हैं। ये बात आप सही है, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। स्पेशल सीपी ने इलाके का दौरा किया, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। हालात को नियंत्रित करने की कोशिशें पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से लगातार की जा रही है, लेकिन पूरी तरह से कामयाबी अभी नहीं मिल पाई है। इलाके में चारों तरफ तनाव वाली स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पर पुलिस का फ्लैग मार्च होता है, लोगों को घर के अंदर जाने की अपील की जाती है, जिसके बाद लोग भागते दौड़ते हुए आपको दिखाई देते हैं। हालात नियंत्रित कब होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इस पूरे मामले पर एक तरफ सियासत किस तरह से जारी है और वहीं दूसरी तरफ हिंसा की ये तस्वीरें चीख चीख कर ये सवाल पूछ रही है कि जिम्मेदार और जवाबदेह इसके लिए कौन है। पत्थरों का ढेर, पेट्रोल बम का जखीरा, गुलेल, मशाल, हिंसा फैलाने का हर सामान इस छत पर मौजूद है। यह छत कम और उपद्रवियों का अड्डा ज्यादा लग रही है। घर की तीसरी मंजिल पर तेजाब से भरी थैलियां होने का भी शक है। ये छत मुस्तफाबाद विधानसभा में नेहरू विहार वार्ड से आम आदमी पार्टी के पार्षद हाजी ताहिर हुसैन की है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ के हालात, देखिए। ये पेट्रोल बम है, बोतल में बकायदा पेट्रोल डालकर और ऊपर से कपड़े के जरिए उसका मुंह बंद कर दिया गया था, और आरोप है कि इनको जलाकर यहाँ से छत से नीचे फेंका गया। ये एक हिस्सा आप देख रहे हैं, दूसरे हिस्से में आते हैं, ये देखिए, ये दूसरा हिस्सा। इस तरह के तमाम आपको दिख जाएंगे बॉक्स, जिसमें रखे हुए हैं पेट्रोल बम और उसके ऊपर कपड़ा लगाकर जो आरोप है कि ताहिर हुसैन के घर से नीचे फेंका गया है। इस तरह से पत्थर, ये देखिए, पत्थर इकट्ठे करके रखे गए हैं, पूरी की पूरी छत पर हमें पत्थर दिखाई दे रहे हैं। जरा मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरा पर्सन नीचे उस जगह पर जरूर लेकर चले हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये दिखाना। यहाँ पर देखिए, ये हिस्सा खाली है, सिर्फ एक इसमें दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे जो बोतल पेट्रोल पंप के रखे गए थे वो नीचे फेंके जा चुके हैं। ये दूसरा हिस्सा है। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। ये देखिए, ये आखिर ये किस लिए छत पर रखे गए थे, इनका क्या इस्तेमाल यहाँ पर होना था, बोरे में भरकर इसको इस छत पर क्यों लेकर आया गया था। अब इस छत, ताहिर हुसैन और दिल्ली हिंसा का क्या कनेक्शन है, इसे समझने के लिए एक वायरल वीडियो देखिए। जिस छत से लोग पत्थर बरसा रहे हैं, दावा है कि वो ताहिर हुसैन की घर की ही छत है, जिसका हाल हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। ताहिर हुसैन की घर की छत का एक और वीडियो देखिए। घर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, छत से पत्थर फेंके जा रहे हैं, पेट्रोल बम बरसाए जा रहे हैं। ताहिर हुसैन के घर के साथ की बाकी छतों पर भी लोग मौजूद हैं, नीचे भी भीड़ खड़ी है। ध्यान से देखिए कैसे इस छत पर मौजूद उपद्रवी ने एक दूसरे घर पर पेट्रोल बम फेंक कर आग लगा दी। नीचे भी जो भीड़ खड़ी है वो लगातार पत्थरबाजी कर रही है, पेट्रोल बम फेंक रही है। इन तीन घरों की छत पर सैकड़ों उपद्रवी मौजूद हैं। ताहिर हुसैन के घर की दूसरी और तीसरी मंजिल पर भी भीड़ जमा है। आज तक से बातचीत में ताहिर हुसैन ने खुद माना कि वायरल वीडियो उनके घर का ही है, लेकिन ताहिर हुसैन का कहना है कि वो खुद हिंसा के बीच फंसे थे, उन्हें दिल्ली पुलिस ने बचाया, उनके घर पर उपद्रवियों ने जबरन कब्जा कर लिया था। ताहिर हुसैन का कहना है कि घर दो हिस्सों में बना है, एक हिस्से में कारखाना चलता है जहां ताले दरवाजे नहीं हैं, इस वजह से भीड़ उनके घर घुस आई। हमने दंगे को रोकने का काम किया है। 24 तारीख को 11:30 बजे पूरी बिल्डिंग की तलाशी करा के सीनियर अफसर डॉक्टर AK सिंगला साहब, ज्वाइंट CP हमारे आलोक जी, और वहाँ पे बहुत सारी पुलिस फोर्स के साथ, स्थानीय लोगों के साथ मिलके पूरी बिल्डिंग की, पूरी मकान की, छत की, फ्लैट की तलाशी करा के उनके हैंड ओवर करके हमें वहाँ से खुद दिल्ली पुलिस ने हटा दिया था। ताहिर हुसैन के घर से जुड़े वायरल वीडियो के तार इलाके में रहने वाले IB के कर्मचारी अंकित शर्मा की मौत से भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि अंकित का शव पार्षद के घर के करीब नाले से मिला है। आरोप है कि इन्हीं उपद्रवियों ने अंकित की जान ले ली।
मेरा बेटा से भी ड्यूटी आया, मेरी पड़ोसन कह लगी है अंकित मार दिए तू एक बार देख तो ले। तो मेरा बेटा कह रहा आंटी मैं भी जा रहा हूँ, मैं बेटा मैंने चाय बनाई है तो चाय पी ले। मेरा बेटा कह लगा आंटी कह रही है मार दिए कभी मम्मी तुम्हें ही मार जा मैं ये बचा नहीं गया वहाँ। मेरा बच्चा गली से ही निकला होता गली में से खींच कर लेंगे मेरे बच्चे को। आज तक ने ताहिर हुसैन से बातचीत में जब अंकित शर्मा को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने सभी आरोपों से पल्ला झाड़ लिया। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। दिल्ली में चित्रा त्रिपाठी और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ देश की झुलसती हुई राजधानी दिल्ली, दूसरी तरफ 200 से ज्यादा जिंदगियां जो अलग अलग अस्पताल में संघर्ष कर रही हैं, लगातार बढ़ती मौत का आंकड़ा, लेकिन इन सब के बीच अपने आप में भट्टी पर धधकती सियासत भी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर आखिर सियासतदान अपनी रोटियां सेकने से बाज क्यों नहीं आते। दिल्ली में जो दंगा हो रहा है, जिस तरह की हिंसाग्रस्त स्थिति इस वक्त बनी हुई है, उसको लेकर सियासत भी राजधानी में कैसे जारी है, अब उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो चाहे वो हमारी पार्टी का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो ताहिर हुसैन क्यों ना हो, जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। उन्होंने लगातार अपने को बचाने के लिए पुलिस वालों से मदद मांगी। कड़े से कड़े कानूनी प्रावधान के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस इसमें जांच करेगी, जांच करके जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ताहिर हुसैन के घर की छत से जो हिंसा का तांडव हुआ, उस बवाल से उठे सवालों का सामना अब ताहिर हुसैन को करना पड़ रहा है। सिर्फ ताहिर हुसैन की सफाई से ही मामला थम जाएगा ये मुमकिन नहीं। दिल्ली हिंसा पर राजनीति की सुई अब ताहिर हुसैन पर अटक गई है। कल तक सवालों में घिरी सरकार को बचाने वाली बीजेपी अब ताहिर के बहाने आम आदमी पार्टी पर हिंसा का ठीकरा फोड़ रही है। पहली हमारी प्राथमिकता होना चाहिए कि शांति हो, अमन हो और लोगों में यकीन और विश्वास हो। दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो भी इस तरह की ताकतें हैं जो इनमें शामिल थीं, उनको जघन्य कड़े से कड़े कानूनी प्रावधान के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और पुलिस कर रही है, सरकार कर रही है। जहां तक ताहिर हुसैन का प्रश्न है, लगातार जब उनके घर के अंदर भीड़ घुसी उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सूचना दी है, 100 नंबर पे कॉल किया है, एक एक चीज की मीडिया को जानकारी दी कि किस तरीके से उनके घर के अंदर मॉब घुसी, और उन्होंने लगातार अपने को बचाने के लिए पुलिस वालों से मदद मांगी। 8 घंटे बाद पुलिस की मदद वहां पर पहुंची और पुलिस ने उनको वहां से निकाला, ये पूरा स्टेटमेंट है। इसके बावजूद आप जांच कीजिए, कहीं कोई दोषी मिलता है उस पर कार्रवाई कीजिए, किसने हाथ पकड़ रखा है आपका। ये तो साफ है कि ताहिर हुसैन के घर की छत उपद्रवियों का अड्डा बन गई थी, लेकिन ये साफ नहीं कि उस वक्त ताहिर हुसैन घर पर थे या नहीं। ये भी साफ है कि इस छत से पेट्रोल बम, पत्थर, हिंसा फैलाने का पूरा सामान मौजूद था, लेकिन उसमें ताहिर हुसैन की भूमिका कितनी थी ये साफ नहीं। परिवार के जन संदेह करते हैं कि जो स्थानीय पार्षद हैं उनका हाथ है। मैं समझता हूं कि पुलिस इसमें जांच करेगी, जांच करके जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जांच एजेंसी नहीं है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दिल्ली पुलिस एजेंसी है जो पूरी तहकीकात करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मसले में तहकीकात करे और यदि वो दोषी करार दिए जाते हैं, अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं, तो चाहे वो हमारी पार्टी का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो ताहिर हुसैन क्यों ना हो, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। ताहिर हुसैन की छत पर पहुंची आज तक की टीम को पत्थरों का ढेर, पेट्रोल, सब कुछ मिला। ये सामान देखकर ये तो साफ है कि ये सब अचानक नहीं आया। सवाल यह है कि उपद्रवी अपने साथ हिंसा का सामान लेकर घर में घुसे थे, या फिर जैसे आरोप लग रहे हैं ताहिर हुसैन के घर पर पहले से ही साजिश की तैयारी चल रही थी। ताहिर हुसैन कह रहे हैं कि उन्हें और उनके परिवार को पुलिस ने बचाया, लेकिन इससे जुड़ा कोई वीडियो या सबूत अभी सामने नहीं आया है। दिल्ली से चित्रा त्रिपाठी और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
सुनियोजित साजिश षड्यंत्र के तहत क्या इस हमले को अंजाम दिया गया और उसके बाद दिल्ली की सूरत को बिगाड़ने की कोशिश की गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ताहिर हुसैन के घर के ऊपर से किन किन चीजों की बरामदगी हो रही है, आपने ये रिपोर्ट देख ली। लेकिन इस वक्त जिस दुकान में मेरी मौजूदगी है, आपको बता दें आयुर्वेदिक दवाओं की ये दुकान है। कहां ये दवाएं काम आती उन मरीजों के, जिसके जरिए वो अपनी जिंदगी को ठीक करते, अपनी तबीयत ठीक करते। लेकिन देखिए यहां पर दंगाइयों ने इस दुकान को भी नहीं बख्शा, पूरी की पूरी दुकान जलकर खाक हो गई और इस दुकान में रखे हुए सामान की कीमत तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए। जो दुकानदार थे, जिनकी ये दुकान थी, उनसे हमारी बातचीत हुई। परिवार में छोटे छोटे बच्चे सब के सब सड़क पर आ गए हैं। जो बेबसी और बदहाली उनकी आंखों में हमें नजर आ रही थी, वो अपने आप में कई सवालों को जन्म देती है। इस दुकान की तस्वीर बेहद डरावनी और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि लगातार सिर्फ एक नहीं, यहां पर गिनती की ऐसी कई दुकानें हैं जिनको आग के हवाले कर दिया गया, भीतर आग लगा दी गई थी। आपको बता दें कि इस मारुति ब्रांड आटा के अंदर ये जो दरवाजा आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी हम गए थे। ये पूरी की पूरी छत दंगाइयों की से तोड़ दी गई है। ऊपर की जो स्लैब थी वो पूरी टूटी हुई है। जब हमने अंदर जाकर तस्वीर देखी तो अपने आप में बेहद भयावह, बेहद परेशान करने वाली। लेकिन कुल मिलाकर सवालों के घेरे में ताहिर हुसैन, जिनका घर ठीक मेरे पीछे है और यहां से 500 कदम की दूरी पर उस जगह पर भी हम गए थे जहां पर अंकित शर्मा के शव की बरामदगी हुई थी। अंकित के परिवार वाले लगातार बार बार ताहिर हुसैन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने ही अंकित की हत्या करवाई। देखिए, ये एक माँ का रुदन है, ये एक माँ की तड़प है, ये एक माँ का दर्द, गम, गुस्सा है। इस माँ ने अपने उस लाल को खो दिया है जो दिल्ली की आग में खो गया। चांद बाग इलाके में वो शाम कयामत बरपा रही थी, हर तरफ से हिंसा की खबरें आ रही थी और इन्हीं हालात के बीच आईबी कर्मचारी अंकित घर से बाहर निकले तो फिर लौटे नहीं। माँ को वो पल याद है जब बेटा लोगों को समझाने के लिए बाहर निकला था, लगा था कि बस थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। इधर माँ बेटे के लिए चाय बनाकर बैठी थी तो उधर अंकित पगलाई भीड़ का शिकार बन गया। 2 बजे हमें पता चला, जिस औरत ने देखा, इसमें तीन लाश गिरी है, एक काट के गिरी है, 2 सावत गिरी है। हमने रुके मचाए, बोरी भर भर के कट्टे गिर दिए, वे दब जा नीचे, मेरे बच्चे कट्टे के नीचे दबे मिले। अंकित के पिता भी आईबी में काम करते हैं और बेटा भी इसी विभाग में तैनात था। अंकित का शव बरामद हुआ तो घर में वो चीखें, पुलिस और सरकार सबसे सवाल करने लगी। लेकिन सिस्टम तो बहरा है, ये चीखें सुनेगा कैसे? सिस्टम तो आंखें बंद किए बैठा था, ये तड़प देखता कैसे? हाँ, माँ जरूर चौंक पड़ती है, आंखें खुली है। बेटा जब भी ड्यूटी आया, मेरी पड़ोसन कहने लगी अंकित मार दिए, तू एक बेरा देख तो ले। तो मेरा बेटा कह रहा आंटी मैं भी जा रहा हूँ, मैं बोटी बेटा मैंने चाय बनाई है तो चाय पी ले। मेरा बेटा कह लगा आंटी कह रही है मार दिए, कभी मम्मी तुम्हें ही मार जा, मैं ये बचा ले गया वहाँ। मेरा बच्चा गली से ही निकला होता, गली में से ही खींच कर ले गए मेरे बच्चे को। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कई माओ ने बेटों को खोया, बहनों ने भाई को, पत्नी ने पति को और इंसान ने इंसान को। ये वो इलाके हैं जहां पीढ़ियां दर पीढ़ियां जवान से बुजुर्ग होती गईं, लेकिन अब जो देखा वो ना सोचा था न समझा था। पूजा शाली के साथ आज तक ब्यूरो। परिवार का क्या हाल है, इन तस्वीरों के जरिए आपने जान और समझ लिया। लेकिन सिर्फ ये एक परिवार की बात नहीं है, ऐसे लगातार बढ़ते हुए मामले कई ऐसे परिवारों को गहरे जख्म दे चुके हैं, जिनका जवाब मिलना बाकी है कि आखिर इनकी मौत के पीछे के लोगों का कौन सा वो चेहरा है जो अब तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा है। सबसे बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार जारी रहेगी। दंगे के ये दाग कैसे धुलेंगे, जिम्मेदार और जवाबदेह लोग कब सामने आएंगे और सबसे बड़ा सवाल आखिर स्थिति सामान्य कब होगी राजधानी दिल्ली की। आम आदमी पार्टी के स्थानीय पार्षद ताहिर हुसैन पर लगातार हिंसा फैलाने के आरोप लग रहे हैं। यहां के स्थानीय लोगों की ओर से भी कहा गया है कि दरअसल उनके घर से जिन चीजों की बरामदगी हो रही है, सुनियोजित साजिश के तहत इस हिंसा को उन्होंने बढ़ावा दिया, अपने घर का इस्तेमाल होने दिया और उसके बाद यहां पर दंगे फैलाए। लेकिन ताहिर हुसैन का इस पूरे मामले पर क्या पक्ष है, कैसे अपना बचाव करते हुए वो ये कह रहे हैं कि दरअसल उनको फंसाने की साजिश रची गई है। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा ने बातचीत की है ताहिर हुसैन से, सुनिए। सर, आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप आपके घर के ऊपर, जिस तरीके से कहा जाए दंगैया बैठे थे, पथराव हो रहा था और ये तमाम चीजें। देखिए, जैसा कि मीडिया के माध्यम से मुझे
पता चला है कि मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा दुष्प्रचार हुआ है। मैं सबसे पहले तो इसमें एक गवाह आप खुद हैं, आपने मुझे फ़ोन किया था जब ये 24 तारीख को दंगा भड़का था, आपने मुझे खुद फ़ोन किया था कि हमें मालूम पड़ा है कि आपके यहाँ दंगा भड़का हुआ है। मैंने आपको बताया जी दंगा भड़का हुआ नहीं, बल्कि मेरे मकान का फाटक तोड़ के बहुत सारी भीड़ मेरे खुद छत पर चढ़ गई है और हम लोगों की जान को खतरा हो चुका है। आप बाद में बात करना, सबसे पहले आप यहाँ कुछ भी करके कमिश्नर साहब से बात करें, कैसे भी करें या फोर्स भिजवाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आमने सामने छतों पर चढ़े हुए हैं जो आपस में पथराव कर रहे हैं और फायरिंग भी कर रहे हैं और आवाज़ भी उसमें आपको शायद फायरिंग की जारी होगी। आपने फ़ोन मुझे मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ या आपके पास मेरे चैनल से फ़ोन आएगा, लेकिन चैनल का कोई फ़ोन नहीं आया था, बाद में दोबारा आप ही का फ़ोन आया था जिसमें आपने कहा कि एक काम कीजिए आप मुझे एक मिनट का वीडियो बना के भेजिए। मैंने जो वीडियो बना के आप कहाँ थे उस वक्त, कहाँ थे जब मैं वहीं छत पे था अपनी, जब मेरा घर का देखिए मेरे जो मकान है जो बिल्डिंग है ये 1000 गज का प्लॉट है, इसमें दो नीचे के जो फ्लोर हैं जो हॉल है पूरे उसमें कारखाना है फैक्ट्री है जिसमें लकड़ी का लोहे का काम होता है फर्नीचर का काम होता है। इसके ऊपर जाके बैक साइड में तीन चार कमरों का फ्लैट है जिसमें अपने परिवार के साथ रहता हूँ। बीच में फिर 500-700 गज जगह के जो खाली है क्योंकि वो आंगन टाइप है खुला एरिया है। हिंसा में झुलसी दिल्ली में आग की लपटें बुझ चुकी हैं लेकिन बर्बादी की राख बाकी है। कौन कह सकता है कि दिल वालों की दिल्ली में ऐसे शैतानों का भी बसेरा होगा कि महज दो दिन में बसी बसाई बस्ती उजाड़ हो गई। अब हिंसा थम चुकी है लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, इन घरों की खुशियां हमेशा के लिए लुट गईं। देखिए घर दुकान बाजार और गाड़ियों का काफिला, नफरत की आग में सबका रंग एक हो चुका है। बेरंग बेजान दिल्ली के इन इलाकों में अब खौफ वाली खामोशी टूटने लगी है। लोग अपने इलाके में साफ सफाई के लिए खुद ही निकल पड़े हैं। जली हुई गाड़ियों को हटाने की कोशिश की जा रही है। चांदबाग का ये वही पेट्रोल पंप है जहां पे गाड़ियां भी थी और पेट्रोल पंप भी था जिसमें आग लगाई गई थी। पीछे आप देख सकते हैं लोकल्स जो हैं पूरी तरह ऐसे एफर्ट कर रहे हैं कि जो भी व्हीकल्स थी उनको यहां से वापस बाहर की तरफ निकाला जाए। देखिए ये सारी वही व्हीकल्स हैं जिनमें आग लगी थी, इन सबको अब इकट्ठा किया जा रहा है। लोकल्स कह रहे हैं कि पूरी कोशिश अब यह है कि लाइफ जो है नॉर्मलसी की तरफ वापस मूव करे, दुकानें धीरे धीरे करके खुलने लगी हैं। पुलिस अभी भी यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही है। ये वही पेट्रोल पंप है जहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में जितनी भी व्हीकल्स थी, और पेट्रोल पंप तो जला ही जला था, जितनी भी व्हीकल्स थी वो भी जली थी। देखिए ये सारे लोकल लोग हैं जो यहाँ पे जा रहे हैं, जितनी भी गाड़ियों में आग लगी थी इनको यहाँ से खिसकाया जा रहा है। एफर्ट जो है वो इस चीज पे लगाया जा रहा है कि लाइफ फिर से ट्रैक पे वापस आए। चांदबाग इलाके में कुछ दुकानें भी धीरे धीरे खुलने लगी हैं। कॉलोनी में दवाई की दुकान खुल जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। ये दिल्ली के सीलमपुर इलाके की ताजा तस्वीरें हैं। यहाँ आज भी सन्नाटा पसरा रहा और ज्यादातर दुकानें बंद रहीं। अब पुलिस एक्शन में है, हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में फ्लैग मार्च हो रहा है। दिल्ली के मौजपुर में भी हालात सामान्य हो रहे हैं, यहाँ आज सड़कों पर गाड़ियां चलती नजर आईं। वैसे एहतियात के तौर पर यहाँ सुरक्षा बलों की तैनाती अब भी है। पिछले जो तीन दिन से यहाँ पर उपद्रवी थे और जो दंगा हो रहा था यहाँ पर, आज देखिए सिचुएशन कितनी बदली गई है। चाहे दिल्ली पुलिस हो, CRPF हो, वो इंश्योर कर रहे हैं कि 4 से 5 ज्यादा लोग कलेक्ट भी ना हो पाए, जिसका मतलब यही है कि इस वक्त वो इंश्योर कर रहे हैं किसी तरह से कॉन्ग्रीगेशन ना हो। लेकिन कुछ इलाकों से तनाव की खबरें अब भी आ रही हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ही करावल नगर इलाके में धारा 144 लगी हुई है। लोगों का कहना है कि बीती रात ब्रिजपुरी इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने इलाके में फायरिंग की। ये लोग एक गाड़ी में आए थे और अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। कॉलोनी का गेट बंद था, स्थानीय लोग खुद ही अपने बचाव में बाहर आए और उन्हें पकड़ने की कोशिश की। दो लोग मौके से भाग निकले और दो लोगों को सबने पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन हिंसा और हैवानियत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस वजह से हिंसा प्रभावित इलाकों के बच्चे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं दे पा रहे हैं। कई लोग अपने घर नहीं लौट पा रहे और कोई घर में बंधक बन गया है। कुल मिलाकर दिल्ली के दामन पर लगे इस दाग को छुड़ाने में अभी वक्त लगेगा। आज तक ब्यूरो
राजधानी दिल्ली में जो मौजूदा हालात हैं, या तो ऐसी तस्वीर 1984 को दिखी थी या तो 1990 या फिर 92 में। उसके बाद राजधानी दिल्ली लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती रही, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा में ऐसी झुलसी है राजधानी जिसकी तस्वीरों को बयां कर पाना शब्दों में काफी ज्यादा मुश्किल। यहां से वहां तक जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे हर तरफ तबाही के मंजर, और इस तबाही के पीछे दरअसल वो शैतान दिमाग है जिसने राजधानी दिल्ली को हिंसाग्रस्त कर दिया है। ताहिर हुसैन का ये घर, उसके सामने हमारी मौजूदगी। ताहिर हुसैन सवालों के घेरे में, मुख्यमंत्री से जब पूछा जाता है सवाल आम आदमी पार्टी को लेकर तो उनकी ओर से कहना है कि दरअसल इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, अगर आम आदमी पार्टी का कोई भी शख्स हिंसा करते हुए पकड़ा जाए तो फिर उसके खिलाफ डबल कार्रवाई आप कीजिए। इस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल राजधानी दिल्ली की पुलिस को लेकर। आपको बता दें दिल्ली पुलिस बीते 5 दिनों से अगर हम देखें 35 मौत हो चुकी है, 48 FIR, 200 से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी के लिए अलग अलग अस्पतालों में संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस जो सवालों के घेरे में थी, लगातार उसके ऊपर सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर राजधानी दिल्ली में इस तरह की व्यवस्था बनी, उसको काबू कर पाने में दिल्ली पुलिस नाकामयाब क्यों रही, कामयाब क्यों नहीं हो पाई। लेकिन वही दिल्ली पुलिस अब अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों के भीतर विश्वास बहाली की कोशिश कर रही है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो सफल होती हुई भी नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस का रोल राजधानी दिल्ली में स्थिति को काबू करने में अब तक कैसा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। ये गली में जो लोग खड़े हैं, आपसे अनुरोध है कि आप अपने अपने काम पर जाएं, एक जगह इकट्ठा ना हो। ईंट पत्थरों से पटी सड़कों पर जहां खौफ का सन्नाटा पसरा था, वहां एक बार की हलचल हुई तो लोग चौंक पड़े। किसी ने दुकान का शटर उठाया कि शोर कैसा है, तो पुलिस की तरफ से भरोसा जताने की कोशिश हुई कि अब खौफ की कोई बात नहीं है, वो पुलिस के लोग हैं और अब वो बेखौफ होकर अपनी दुकान खोल सकते हैं। ये गली में जो लोग खड़े हैं, आपसे अनुरोध है कि आप अपने अपने काम पर जाएं, एक जगह इकट्ठा ना हो। और यहाँ पर कोई अगर ग्रोसरी की दुकान है, दवा की दुकान है और किसी भी चीज की दुकान है तो वो भी आप खोल सकते हैं, और किसी तरह के आपके दिल में भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। किसी को अगर कोई बात है तो आप आके हमें बताइए, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। दिल्ली के चांदबाग इलाके में ACP OP मिश्रा पुलिस टीम के साथ पहुंचे थे और लोगों से अमन की अपील कर रहे थे। ये हिदायत भी दी जा रही थी कि लोग बेवजह जमा न हों, अपना अपना काम करें। ये गली में जो लोग खड़े हैं, आपसे अनुरोध है कि आप अपने अपने काम पर जाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निर्देश पर दिल्ली पुलिस लोगों में विश्वास बहाल करने की मुहिम में जुटी है। दिल्ली के सीलमपुर में भी पुलिस की टुकड़ी पहुंची। कोशिश यही है कि लोग पुलिस के पास आएं, अपनी परेशानियां बताएं, लोगों में ये यकीन पैदा हो कि हिंसा का वो दौर अब दोबारा नहीं आने वाला। दिल्ली के शिव विहार में हिंसा और आगजनी की घटनाएं बहुत हुई, लेकिन अब यहां भी लोग अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। स्थानीय लोगों के पास खुद ही रोजमर्रा की चीजें जुटाने की मुश्किल है। बुनियादी जरूरतों की परेशानी है, लेकिन आपसी भाईचारे और हौसले के बीच एक दूसरे की मदद में जुटे हैं। यही नहीं, लोगों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को खाना भी खिलाया। दिल्ली में चित्रा त्रिपाठी और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। इस हिंसा में दिल्ली पुलिस ने भी अपना जवान खोया है। दिल्ली पुलिस का रोल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, और अब तमाम हिंसाग्रस्त इलाकों में दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी ये दिखा रही है कि हालात जल्द से जल्द नियंत्रण में आ जाएंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनकी ओर से जो बड़ी बातें कही गई, आपको बता दें 10-10 लाख रूपये मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया है। जिनके घर दुकानें जल गए हैं 5-5 लाख रूपये उनको दिए जाएंगे, और हिंसा पर किसी भी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये भी कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। और क्या कुछ बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं, सुनिए। सख्त एक्शन लो, सख्त एक्शन लो। मेरे पास पुलिस नहीं है, अगर पुलिस होती तो हम भी सख्त एक्शन लेते। मेरा अपना ये मानना है कि देश की सुरक्षा को लेके और जो इस तरह के दंगे होते हैं, मैं ये सुबह से देख रहा हूं, इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का है कोई,
या बीजेपी का है या कोई कांग्रेस का है, जिन जिन लोगों ने दंगों को उकसाने की कोशिश की, जिन जिन लोगों ने दंगे करवाए, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे मंत्रिमंडल में कोई है, किसी को नहीं छोड़ना है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो। उस पर आप बयान क्या पूछ रहे हो लोगों से? आपका क्या कहना है जी? आपका क्या कहना है जी? आपका क्या कहना है जी? कहने से दंगे वालों को सजा मिलेगी क्या? इससे सजा मिलेगी? ऐसे ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलेगा हमारा? उठा के जेल में डालो जो भी दोषी हैं, उनके वाले दोषी हैं उनको डालो, हमारे वाले दोषी हैं डबल सजा दो उनको, किसी को बख्शो मत। राजनीति करना बंद करो, देश की सुरक्षा के साथ, देश के साथ राजनीति करना बंद करो। मैंने कह दिया आपको, मैंने कह दिया आपको, सख्त से सख्त सजा दो। जो सजा बनती है उसे डबल सजा दे दो अगर कोई आम आदमी पार्टी वाला पकड़ा जाता है तो। दिन लगातार बीतते हुए चले जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच उम्मीद यही कि सियासत इस पूरे मामले में खत्म हो और जल्द से जल्द राजधानी दिल्ली की जिंदगी पटरी पर लौटे, जिंदगी एक बार फिर से खुशहाल हो सके लोगों की। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।